ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, लोग मर रहे हैं। जितने वेंटिलेटर आपने पीएम केयर्स फंड में ऑर्डर दिए, कितने वर्किंग कंडीशन में बताइए, मैं चैलेंज कर रहा हूं बीजेपी को। क्या इंडिया के कैपिटल में लोग ऑक्सीजन नहीं मिलने पर मरेंगे? ये इंसानियत है? कहां गया नरेंद्र मोदी की आंखों में आंसू क्यों नहीं आते हैं? डिमोनेटाइजेशन किया तो आंसू आ गए, अब लोग मर रहे हैं। कौन सी चीज भारत के वजीर आजम को और उनकी कैबिनेट को मूव करेगी? कहां वो अपनी इंसानियत दिखाएंगे? और बीजेपी के जो सपोर्टर हैं आज भी कह रहे हैं मोदी जीतेगा। अरे भाई, तुम आवाम की लाशों में, कब्रिस्तान में, शमशान में उनकी लाशें दफना रहे, जला रहे, तो तुमको अपने इख्तदार की फूल की खुशबू आ रही उससे? कौन सा काम आपने किया बताइए? आज देश की आवाम, भारत की आवाम, मुल्क की आवाम परेशान है और इनके पास कुछ नहीं है। इनके पास ना डायरेक्शन दे रहे हैं, ना इनके पास ट्रांसपेरेंसी है, ना कंट्रोल में है। सब इनके पास से निकल चुका है। हुआ उसमें वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की स्पीच सुनी आप? स्पीच जब मैं सुन रहा था तो अफसोस हो रहा था, तकलीफ हो रही थी कि वो सीना तान कर कह रहे थे कि हमने कोरोना को ख़त्म कर दिया है और लोग दूसरे फॉरेन कंट्रीज़ भारत के ऊपर शक कर रहे थे, मगर हमने उसको शिकस्त दे दी। ये ऐसे कई मिसालें मैं आपको दे सकता हूँ। ऑक्सीजन टैंक्स का आप 8 महीने तक सोते रहे और 8 महीने के बाद आपने ऑर्डर दिया तो खाली 8 बने हैं। क्या इनको नहीं मालूम था दिसंबर 2020 में कि सेकेंड वेव आएगी? अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी अपनी असम्बली की स्पीच में ये बात कही, बल्कि वो एक्सपर्ट्स जिसको हम एपिडेमोलॉजिस्ट कहते हैं, जिनके पास एक नई 13-13 डिग्रियां हैं, उन्होंने ये बात कही थी कि दूसरा वेव आएगा, सेकेंड वेव आएगा। आप बताइए कि कोई तैयारी नहीं की आपने? आपने लोगों को पिछले साल कह दिया कि थाली बजाओ, ताली बजाओ, सीना ठोक के बोल रहे थे आप। मेरी एक एक बात का कोराबोरेट कर सकता हूं। लोकसभा में हर बीजेपी का एमपी खड़े होकर बोल रहा था कि मोदी जी की खियादत में हमने कोरोना को हरा दिया। एक एक एमपी की तकरीर सुन लो आप। कहां गए वो लोग? आज जाकर मिलो उन लोगों से जो लोग ऑक्सीजन के लिए मर रहे हैं। कहां है, किधर है ये लोग? इसीलिए ये अभी भी वक्त है इनको कि वो होश के नाखून लें, गुरूर और तकबर से निकले। आप भारत से बड़े नहीं हैं। आज वो गरीब मर रहा है, आवाम मर रही है, लोग क्या कह रहे हैं? जो अपने अजीजों को, अपने रिश्तेदारों को कब्रिस्तान में और आपके शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार कर रहे हैं, उनका फ्यूनरल राइट्स कर रहे हैं, पूछिए उनके जबान पर क्या है, क्या उनकी तकलीफ का इजहार हो रहा है? कहां ये सरकार? कहीं नहीं है। मोदी सरकार इनविजिबल हो चुकी है, कहीं पर नहीं है इस क्राइसिस के दौरान में। वैक्सीनेशन का आप देख लीजिए, वैक्सीनेशन आप कब ऑर्डर देते हैं? कब ऑर्डर देते हैं आप? 2 मिलियन या 2 करोड़ लोगों को इंजेक्शन लग रहा है, जबकि हर रोज 10 करोड़ लोगों को इंजेक्शन लगना चाहिए, हर रोज 10 मिलियन लोगों को। अब तो सेकेंड डोज के लिए तो वैक्सीन ही नहीं है, पूछो आप, है ही नहीं वैक्सीन सेकेंड वे सेकेंड डोज के लिए। ना कोवैक्सीन है, ना कोविशील्ड है। और ये कौन सी कीमत है? कौन सी कीमत है ये? क्या कीमत लगा रहे हैं? ये पूरे एक साल में लाखों की तादाद में लोग बेरोजगार हो चुके हैं, बल्कि करोड़ों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में आवाम की आमदनी कम हो चुकी है। आप बोल रहे हैं कि पैसे दे के लोग,
कहां से देगा गरीब? ये इसीलिए कह रहा हूं कि इनके पास ना ये कंट्रोल में है, ना इनके पास ट्रांसपेरेंसी है, कुछ नहीं, ना डायरेक्शन है, हर एतबार से नाकाम साबित हो चुके हैं। तो आपने ये काम कर दिया, आपके पास आपने कुछ भी नहीं किया इसकी तैयारी के लिए। तीसरी बात यह है कि आत्मनिर्भर भारत बीजेपी कहती है, आत्मनिर्भर भारत अगर हम हैं तो हमको ऑक्सीजन सऊदी अरब से लेना पड़ रहा, आत्मनिर्भर भारत हम हैं तो रशिया हमको कह रहा है कि हम मदद करेंगे, दुनिया के मुवालिक हमसे कह रहे हैं हम देंगे, कौन सा आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं आप? ऑक्सीजन नहीं है दिल्ली के कैपिटल में, अस्पतालों में, जयपुर हॉस्पिटल में 20 लोग, एक और हॉस्पिटल में 20 लोग की मौत, नासिक में 22 लोगों की मौत, कब्रिस्तान भरे पड़े हैं, शमशान घाट भरे पड़े हैं, और मार्च में अखबारात में इश्तिहार नरेंद्र मोदी देखते इश्तिहार देते हैं एडवर्टाइजमेंट के वेलकम, इनके बीजेपी रूल के चीफ मिनिस्टर आसाम का हेल्थ मिनिस्टर हेमंत बिस्व शर्मा बोलता है कि मास्क पहनने की जरूरत नहीं है, कल झूठ बोलता है वो कि मोदी जी ने पीएसए ऑक्सीजन टैंक्स को दे दिया है, आसाम भूटान से ऑक्सीजन मांग रहा है, उत्तराखंड का चीफ मिनिस्टर जो फटी हुई जींस के माहिर हैं वो बोले कि है ही नहीं कोरोना, एक यूनियन मिनिस्टर, एक फ्रंटलाइन वर्कर जब उनसे शिकायत करता है मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी की तो बोलते देखो दो थप्पड़ मारो, अमित शाह देश के होम मिनिस्टर हैं, कब लेते हैं मीटिंग? अप्रैल में मीटिंग लेते हैं, स्टेट से कहते हैं कि मेरे को डेटा भेजाओ आप, आपके पास कितना ऑक्सीजन है, सो रहे थे आप लोग, आप अप्रैल में पूछते हो मिनिस्टर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट क्या है बताओ मेरे को, भिजाओ मेरे को, कहां गया आपका विजन? ये पूरा मैन मेड डिजास्टर है ये, और इसकी जिम्मेदारी बीजेपी सरकार पर आयद होती है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी है, बहुत से मुश्किलात का सामना हम तमाम को करना पड़ रहा है, बस इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही है कि जो हम अपना इसमें तआवुन कर सकते, और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उसमें तआवुन करें। मैं अपनी जानिब से, अपनी पार्टी की जानिब से उन तमाम अफराद ख़ानदान को जिन्होंने अपने अज़ीज़ व ख़ारिब को, अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को, अपनी माँ को, अपनी बीवी को, अपने भाई बहन को खोया है, मैं उनको अपनी जानिब से उनको ताज़ियत पेश करता हूँ। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि कैसे हम उनको दिलासा दिला सकें। बहरहाल ये एक अजीब व गरीब दौर से हमारा वतन अजीज़ गुज़र रहा है, और मैं अपनी छोटी सी सियासी ज़िंदगी में मैं इतनी बड़ी तकालीफ, इतनी बड़ी मायूसी, इतनी बड़ी तादाद में लोगों की मौत मैंने कभी नहीं देखी, और बहसियत एक सियासत के तालिबे इल्म के ना मैंने कहीं पढ़ा कि हमारे मुल्क की तारीख में इस तरह का कभी दौर आया होगा। और मुझे ये साफ तौर पर कहना पड़ेगा कि ये सेकेंड वेव जो कोविड की आई है, इसकी जिम्मेदारी भारत के वज़ीर आज़म His Highness, His Holiness श्री नरेंद्र मोदी पर और उनकी सरकार पर आयद होती है। मैं आप समझ रहे होंगे कि ये सियासी बात कह रहे हैं, मैं ये सियासी बात कर भी रहा हूँ और ये सियासी बात है नहीं भी है, इसलिए कि भारत के संविधान में, भारत के आईन में राइट टू लाइफ एक फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट है, इंसान की ज़िंदगी एक फंडामेंटल राइट है, और ये हुकूमत
उस फंडामेंटल राइट को ना समझी है, ना उसको इम्प्लीमेंट करने का इनके पास कोई नेक नियति है।